नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं, ये है चांदनी चौक मार्केट। आप सभी पता है कितने साल पुराना है, राजा महाराजाओं के समय पे यहाँ पर जो है मार्केट है। जब इतनी हिस्टोरिक प्लेस है, आप सभी को पता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं। तो एक दिन मैं भी गया था, तो मैंने कहा एक बार इसकी एक छोटी सी क्लिप बना लेता हूँ। तो ये वीडियो में आप देखो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितनी गलियां हैं, और यहाँ पर हर दो मिनट में हो सकता है जाम भी लग जाए। हर दो मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। आपको मैंने वॉइस कम कर दिया है, काफ़ी तेज़ वॉइस थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग चिल्ला रहे होते हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये चांदनी चौक है, लाल किला जैसे आप सभी को पता है दिल्ली में है, और उसके बिल्कुल सामने ही ये जो बाज़ार है, चांदनी चौक का बाज़ार या चांदनी चौक मार्केट कहते हैं जिसे, देखने को आपको मिलती है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको, जैसे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और कई सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे कि लाल किला तो आप घूमने जा रहे हो, उसके बाद बिल्कुल सामने वहाँ से ऐसे निकलते हो, गेट जैसे गेट क्रॉस करते हो, इस साइड आते हो, पूरा चांदनी चौक की मार्केट, पतली पतली गलियाँ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। रोड पर ही लोग दुकानें लगा के बैठे हुए हैं अलग अलग चीज़ों की तरह के, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इतने के साथ साथ आप अगर जाते हैं दिल्ली तो चांदनी चौक, आप सभी को पता है काफ़ी सारे घूमने का प्लेस के नाम से ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और काफ़ी विदेशी उसके अभी आपको वीडियो में दिखेंगे भी, काफ़ी सारे विदेशी भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और इतना ही नहीं है, अभी जैसे G20 का प्रोग्राम चल रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है भीड़ में कोई कमी नहीं थी। काफ़ी हाँ, दो तीन दिन के लिए बंद भी कर दिया था मार्केट को, लेकिन फिर भी ये था कि यहाँ पर जो है जो ऑडियंस बेस है, या कह लो जो लोग आते हैं बाज़ार ख़रीदारी करने के लिए, वो तो आ ही रहे थे लगभग, क्योंकि दिल्ली पूरी बंद थी। तब भी उसके बावजूद भी यहाँ पर भीड़ रहती है। अभी आप वीडियो के माध्यम से देखते रहें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग आगे की कार्यवाही करते रहते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें भी आपको देखेंगे, जैसे कि मैं भी जा रहा था, पैदल ही था मैं भी, तो यहाँ पर देखा कि भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा उसी बीच में मंदिर भी देखने को मिलता है। वहाँ पर जो है आपको पानी पिला रहे होते हैं, और वो भी अभी आपको देखोगे काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के जो है मंदिर है, वहाँ पर जो है पानी पिला रहे होते हैं, तो वो भी आप देखोगे, कहोगे हाँ कुछ अच्छा तो यहाँ चल ही रहा है। बाकी चीज़ें तो हैं ही यहाँ पर ऐसी, और हर दो मिनट में यहाँ पर जाम लग सकता है, हर एक मिनट में जाम लग सकता है, कुछ पता नहीं है। इसी छोटी सी गली में रिक्शे, दो दो रिक्शे, तीन तीन रिक्शे वाले भी घुसे रहते हैं चारों तरफ से। बाकी इस तरीके से मार्केट को सजाया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस तरीके से लोग ऐसे ही लोग कुछ भी, जैसे कि मार्केट की जैसी डिमांड है, या फिर ये कह लो कि जिस तरीके से मार्केट देखने को मिलती है वाली, ये वही है ये मार्केट। कुछ आपको आवाज़ें भी सुनने को देखने को मिलेंगी साथ साथ में, लोग ऐसे ही हैं, लोग खड़े होते हैं दुकान के बाहर और बुला रहे होते हैं लोगों को, आ जाओ देख लो। जैसे कि यहाँ पर ज्वेलर्स की बहुत सारी दुकानें हैं, ब्रिडल्स लहंगा वगैरह की बहुत काफ़ी सारी दुकानें हैं। इसके अलावा कुछ घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती, होम डेकोर की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं शायद ये वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी जहाँ पर पिलाते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। ये है भगवान भोलेनाथ का स्थान जहाँ पर लोग पानी पिला रहे होते हैं फ्री में। ये देखो यहाँ पर छोटा सा जाम लग जाता है, और ये जाम ऐसा होता है कि कोई पैदल व्यक्ति जो कोई पैदल भी है तो वो भी इसको पार नहीं कर सकता। यह काफ़ी सोचने वाली बात है कि मतलब इतनी छोटी सी जगह में, उसमें रिक्शे हैं, सबके सब लोग अलग अलग एक्टिवा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और उसको लेकर इसको कोई पार ही नहीं कर सकता। इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, दो मिनट में वहीं पर खड़े रहो, चारों तरफ से स्टक हो जाता है सारी चीज़ें की। तो इस मार्केट की कुछ खास बातें हैं, लेकिन ये भी है कि ना कोई चिल्लम चिल्ली करता है, ना कुछ करता है, लोग आराम से शांति से उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई तू आगे कर ले, पीछे कर ले, अभी देखो एक दो मिनट में ये खाली हो जाएगा। अभी देखो बिल्कुल एक एक बंदा करके निकल रहा है जैसे लाइन लगी हो, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। बाकी आप देख लो, इसलिए शायद अभी भी वहीं पर खड़े हैं और इस तरीके से आप खड़े हैं। बाकी सुनिए लोग किस तरीके की बातें करते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए देखो, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन है। लोग अननेसेसरी जाम, जैसे ये ऑटो वाले भाई साहब हैं, इन्होंने इस तरीके से जाम कर दिया है कि इनके अब कोई यहाँ से ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है, और लोग एक्टिवा पे लेकर अपना फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है कुछ भी।
बस लोग इस तरीके से बस लगा के जाम और आराम से बैठे होते हैं शांति से, कोई कुछ भी नहीं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, खाने को, ज्वेलर्स की दुकानें और कुछ। यहाँ की जो बिल्डिंग है उसको आप खास करके देखना, बिल्डिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते। कितने सौ साल पुरानी बिल्डिंगें हैं कुछ पता ही नहीं है, जिनका ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कभी भी वो बैठ सकती हैं। उनके आप अंदर मार्केट में अंदर घुसते चले जाओगे, इतनी अंदर अंदर जाके छोटी छोटी दुकानें आपको देखने मिलेंगी, आप सोच भी नहीं सकते। अंदर आपको छोटी छोटी मस्जिदें मिलेंगी, छोटी छोटी मंदिर मिलेंगे देखने को, और गली इतनी मतलब दो दो फुट की गलियाँ हैं उसके अंदर अंदर। और उसके अंदर भी जाओगे तो उसमें भी छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली बात है वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए चांदनी चौक काफ़ी फेमस है क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मिलती तो हैं ही, बाकी ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा कि कितने साल पुरानी मार्केट है ये सारी चीज़ें तो हैं ही। बाकी आप देखते रहिए वीडियो में। अभी जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, मे भी शायद हम पहुँचने वाले हैं ये जामा मस्जिद वाला जो रोड है, उस जामा मस्जिद वाले रोड पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से आपको शायद मैं आपको अभी जैसे वहाँ पहुँचते हैं सामने, तो मैं आपको लाल किला भी दिखाऊंगा, दूर से ही दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। और यहाँ पर आपको ख़ास बात ये भी है, जिस रोड पर हम पहुँचने वाले हैं यहाँ से बिल्कुल अगर आप सामने जाते हो तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक दिल्ली गेट आता है। देखो इंडिया गेट तो हर कोई घूमने जाता है लेकिन दिल्ली गेट कोई नहीं जानता होगा या देखा भी होगा, कुछ लोगों ने कभी माइंड से उन्होंने सोचा नहीं है कि दिल्ली गेट है क्या, या दिल्ली गेट के बारे में सुना भी नहीं होगा काफ़ी सारे लोगों ने। तो जैसा कि राजा महाराजा दिल्ली पर जो भी राज करते थे, जब से उन्होंने राज करना शुरू किया तो उन्होंने एक दिल्ली गेट बनवाया, जैसे भी वो कभी भी लड़ाइयाँ करने जाते थे तो उसी गेट से बाहर जाते थे। तो आप सभी को पता है जैसे युद्ध जीत कर जब वो वापस आते थे तो गेट पर काफ़ी सारी बड़ी तैयारियाँ होती हैं, तो वही एक दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट जो लाल किला है उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, और उस गेट से ही जैसे राजा महाराजा आते थे तो वहीं से एंटर करते थे। और लाल किले के बिल्कुल सामने ही रोड पर बना हुआ है वो जो गेट मैं बता रहा हूँ, दिल्ली गेट। और उसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ आपको, वो दिल्ली गेट जो है अभी तक वो मतलब बंद है, उससे गाड़ियों वगैरह नहीं गुजरती हैं, वो इसी तरीके से सब देखने के लिए बनाया गया है। लेकिन लोग इंडिया गेट जाते हैं घूमने, चलो ठीक है वो तो एक विश्व की धरोहर, लेकिन एक विश्व की धरोहर वो भी है, हमारे देश की धरोहर भी है जो दिल्ली गेट है। क्योंकि अगर लाल किला लोग देखने जा रहे हैं तो दिल्ली गेट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली गेट की काफ़ी सारी खास बातें हैं, उसको किस तरीके से बनाया गया है नहीं बनाया गया है वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। बाकी मैं अब आने वाला हूँ, शायद मेन रोड पर पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी आपको यहाँ पर इतनी छोटी छोटी जगह में जैसे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़े भगवान जो बजरंगबली हैं उनकी जो मूर्ति है प्रतिमा इस मंदिर के अंदर जो काफ़ी बड़ी बनाई गई है, तो ये भी काफ़ी देखने वाली बात है। बाकी वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ मंदिर ही देख पाएंगे क्योंकि दिन में 2-2.5 बजे की बात है तो उस समय जो है मंदिर बंद कर दिया जाता है, फिर शाम को मंदिर 5 बजे खुलता है। तो बाकी आप वीडियो में देखते रहें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये है मंदिर वो देख सकते हैं, प्राचीन हनुमान जी मंदिर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जामा मस्जिद वाला रोड पे, और ये जामा मस्जिद वाले रोड पे आपको एक बोर्ड भी देखने को मिलेगा, यहीं पर लगती है एक मार्केट जिसे कहते हैं, अभी भी आपको देखेंगे वीडियो में काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा होगा, उसको वीडियो में भी दिखाऊंगा। ये देखो ये जो बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, तो ये सारी चीज़ें देखकर यही लगते हैं ये जो मार्केट है यहाँ पर अलग अलग तरीके की मार्केट हैं, जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पर अलग मार्केट लगती है, वहाँ पर अलग चीज़ें मिलती हैं, जहाँ ये जो बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर शायद अलग चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। यहाँ पे जो खास बातें हैं वो यही है कि दिल्ली तो है ही, बाकी दिल्ली में काफ़ी सारी जगह घूमने वाली आपको इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी बात तो है ही। देखिए अभी मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ लाल किला, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने, ये देखो ये है लाल किला, और बिल्कुल इसके सामने से जैसे मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ इसके आगे अगर मैं जाऊँगा तो राइट साइड में रोड जाता है, वहाँ से जैसे रोड जाएगा उसी रोड पे पड़ता है जिसको मैंने बताया था, वो है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट उसी रोड पड़ता है, और कोई भी राजा महाराजा, पहले तो ये था नहीं, अब रोड वगैरह बना दी, पहले रोड नहीं था तो वहाँ से डायरेक्ट सीधा जो है लोग जो है वहाँ से राजा महाराजा की एंट्री वहीं से होती थी, जो भी मतलब उस समय दिल्ली पर राज्य कर रहा होता था जिसका भी प्रशासन था तो वो लोग वहीं उसी गेट से एंट्री करते थे। काफ़ी ये सारी चीज़ें, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, अलग अलग चीज़ें बन चुकी हैं। तो ये थी पूरी मेरी दिल्ली की कहानी चांदनी चौक।